हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, इसको लिखे ए मैक्स, इसके लिखे ए मैक्स। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एज वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। आई मैक्स इज इक्वल टू ए मैक्स स्क्वायर अपॉन आई मिन ए मिन। ठीक है, नाउ व्हाट दिस इज इक्वल टू, ए मैक्स इज ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इफ आई वन इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव लाइट, तो आई वन क्या होगा, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है आई वन, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वन स्क्वेयर, सम कॉन्स्टेंट ए वन स्क्वेयर, के टाइम्स ए स्क्वेयर। और आई टू अगर दूसरी वेव की इंटेंसिटी है तो क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए क्या हो गया बेटा, व्हाट ए इज इक्वल टू आई वन अपॉन के रूट, बी क्या हुआ एंड बी इज इक्वल टू आई टू अपॉन के रूट, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो ए बी में, क्या आता है रिजल्ट बताओ, टू आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ये हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो की फॉर्म में हमने क्यों रखा है इसको, रेशियो की फॉर्म में इसलिए रखा है, ये कांस्टेंट के है ना, वो ऊपर नीचे कट जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आपको जनरली जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि फ्रिंजेस आर इन द रेशियो 4:9, 1:8, 1:9, 1:4, ऐसे रेशियो दी जाएगी आपको, तो रेशियो के हिसाब से आपको कंप्यूटेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा।